नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की एक नए वीडियो में। मेरे टॉपिक तो आप थंबनेल में देख ही लिया होगा, नहीं है तो बता देता। आज का टॉपिक है एआई के बारे में, जिसकी वजह से ना आज एक फेक वीडियो एक एक्टर का बहुत ही वायरल हो रहा है, आपने देखा ही होगा। जानते हैं, देखते हैं क्या है ये और कैसे काम करता है और क्या इससे कुछ इफ़ेक्ट है। और क्योंकि अभी है ना, आपने एक वीडियो देखा होगा रश्मि मंदाना का, यह एक्टर हैं और आप लोग ने इनकी पिक्चर तो देखी होगी पुष्पा, तो जानते भी होंगे सब लोग। तो इनका एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऐसा नहीं, मैंने भी देखा था पहली नज़र में, तो मुझे भी ऐसा लगा था ये क्या हो गया रश्मि मैम को, कि मतलब इन्होंने वेट गेन कर लिया इतना सारा। पहले तो मैं यही सोच रहा था, फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा चलने लगा, इंस्टाग्राम और आगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पड़ा घूम रहा था। फिर न्यूज़ में भी देखा और ट्विटर जो एक्स है उस पर भी इनका एक ट्वीट देखा, जिसकी वजह से पता चला पूरी बात क्या हुई। एक्चुअली दोस्तों, ये डीप फेक एक एआई टूल्स है, तो जिसकी वजह से ना एआई की मदद से इनके फेस को किसी और की बॉडी में, बोले तो एक जारा पटेल हैं जो एक भारतीय मूल की इंग्लैंड नागरिक हैं इस समय, उनका ये वीडियो है जारा पटेल, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको डाला था क्रिएट करके, और तब से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और रश्मि को भी तब पता चला जब उनके एक शुभचिंतक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, और तुरंत ही वो उन्होंने थोड़ा डीप तरीके से देखा तो उनको पता चला कि नहीं, ये एक फेक वीडियो है बनाया हुआ एआई की मदद से। जैसे वो वीडियो में आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो जैसे वो लिफ्ट के अंदर घुसती हैं तो वो नॉर्मल जो ओरिजिनल वीडियो होता वो होता है, अंदर आने के बाद उनका चेहरा रश्मि जैसा हो जाता है। बाद उन्होंने ट्वीट करके मतलब बहुत ही चिंता जाहिर करी, बताया कि अभी तो मतलब वो एक्टर हैं तो सहारा मिल गया है, जब बाय चांस वो कुछ ना होती है, जब स्कूल कॉलेज में होती कैसे मतलब फेस कर पाती इस चीज़ को। इंटरनेट के जो पावर है उसका गलत यूज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उसके बाद अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े अभिनेता भी इसमें उनके सपोर्ट में आ गए, जो इन्होंने अभी इसके खिलाफ़ एक कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और उसके बाद मीना जी ने भी अपना ट्वीट को साइबर सेल, महाराष्ट्र साइबर सेल को टैग किया है अपने पोस्ट के द्वारा, जिस मामला बहुत ज़्यादा फैलता हुआ दिखा। फिर केंद्र सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी की और तुरंत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जितने भी हैं उनको तुरंत ही इस पोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया। ऐसे तो और भी गाइडलाइन है, रूल है, जिसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हो। अगर ऐसा कोई फेक वीडियो आपका या किसी का आ रहा हो, अगर आपको कंप्लेन करनी है जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो और आपको बताना है कि आपके साथ ये जो हुआ है, आप ये नहीं हो, आप पूरी मतलब आपकी पूरी कंप्लेन आपको बतानी है क्या आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद ये 36 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने अभी आदेश दिया है सभी प्लेटफॉर्म की कंपनियों को सोशल मीडिया की, कि आपको कंप्लेन मिलने के 36 घंटे के अंदर पहले तो ये डिलीट कर देना, उसके बाद उसकी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ़ जिसने ये किया है। क्योंकि इंटरनेट भाई अच्छा भी है और एआई तो आप जानते हो कितना मास्टर ब्लास्टर है सब चीज़ में, मतलब कुछ भी आप स्क्रिप्ट दे दो या कुछ चीज़ें लिख दो तो आपको सामने एक वीडियो हैंड्स, अगर मैं चाहूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो इसको भी मतलब एआई की तरफ से तैयार करके मैं खुद ना हो कि एआई से आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो देख लीजिएगा, बहुत पावरफुल है। आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन हाँ, हम लोग को पॉजिटिव ही यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ कोई मतलब आपको मानसिक या शारीरिक शोषण किसी का भी होता है आपकी वजह से, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे कैसे भी हो, तो वो गलत है। तो आपको ये देखना है, ऐसे यूज़ नहीं करना कि मतलब आप के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मतलब आपका करियर और ज़िंदगी बर्बाद हुई है इससे। गवर्नमेंट ने तो कड़े आदेश दे दिया कि 36 घंटे के अंदर जैसे ही कंप्लेंट मिलती है उस वीडियो को डिलीट करें और उस इंसान जिसने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? पहले तो आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रख सकते हैं, अननोन लोगों को ऐड भी नहीं करना, लेकिन आप कोशिश ये करना है कि आप अपने पर्सनल वीडियो फोटोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना ही डालें तो बेटर है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी है। मतलब आएगा नहीं तो आगे कुछ होने यूज़ होने का कोई खतरा ही नहीं रहेगा और आपको डर भी नहीं रहेगा, तो इससे आप बचने के लिए सबसे पहला तो ये। और दूसरी चीज़, आप जिस प्लेटफॉर्म में आपको ये दिख रहा है उस पे तो आप कंप्लेन करनी ही, साइबर सेल को भी आपको कंप्लेन करना है, ताकि है ना जहाँ भी आपका ये वीडियो घूम रहा है वो हट जाएगा पहला तो। जैसे आप ATM की जानकारी बचा के रखते हैं, वैसे ही अपनी हर चीज़ की जानकारी को बचा के रखें, क्योंकि यही से तो आजकल बहुत बड़े फ्रॉड भी हो रहे हैं, पैसे के चल रहा है तो आप देख ही चुके हैं, इतने बड़े स्टार का हो गया तो आप कौन सी चीज़ हो। तो ध्यान रखें और कोशिश करें
सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें डालें, आपको जिससे बात करनी हो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप जैसी प्राइवेट इंक्रिप्शन वाली जो एंड टू एंड होते हैं उस पर जाकर चैट वगैरह करें, और फ़ोन पे भी ज़्यादा ना रखें क्योंकि कभी कभी फ़ोन भी हैक हो जाते हैं आपको पता ही होगा, तो कोशिश करें कि ना करें क्योंकि AI तो भाई गजब का है, तो उसमें आगे जाके और क्या क्या होंगे पता नहीं, जॉब्स भी आगे जाके लोगों की खतरे में हो जाएगी। तो यही था वीडियो में आज, तो आप भी बचें और दूसरों को भी अवेयर करें इस चीज़ से, कोशिश करिएगा ध्यान रखें अपना भी और लोगों को भी, और जिन जिनको पास आपको ये वीडियो शेयर करना है शेयर करिए ताकि उन लोग को भी पता चले, थोड़ा अवेयर रहें इंटरनेट के नई पावर से जो कभी कभी नेगेटिव वे में भी जा सकता है, तो आप भी बचिए और अपने आसपास अपने लोगों को भी थोड़ा अवेयर रखिए और बताइए उनको। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।